सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द थिंकर्स थिंक्स और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल द थिंकर्स थिंक्स में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, या फिर ये कह लीजिए यूपी पुलिस सिपाही भर्ती लीक मामले 2018 से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। दोस्तों, खबर ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी पुलिस लीक मामले में रिट दायर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यूपी हाई कोर्ट में बिल्कुल रिट दायर हो चुकी है। अभी मैं इसकी रिट संख्या आपको नहीं बता सकता क्योंकि कन्फर्मली अभी हमको भी नहीं पता है, जैसे ही कन्फर्मली हमें रिट नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये 100% है कि रिट जरूर दायर हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे ही रिट नंबर हमको पता चलेगा हम चैनल पर अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि आपको ये अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुख्य बात यह है कि अब क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, रिट दायर होने के बाद 50% तक चांस बढ़ जाते हैं पेपर कैंसिल होने के, जबकि इससे पहले रिट दायर होने से पहले 5 से 10% तक ही चांस थे। तो अब ये खबर सुनकर उन छात्रों को ज़रूर बुरा लगेगा जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले थे और जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था। तो मैं उन छात्रों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस यही सोचिए, अगर आप कितना भी अच्छा कर लेते पर इस पेपर में जो गड़बड़ी हुई है उसका लाभ सीधे तौर पर उन छात्रों को जाएगा जो फ्रॉड हैं। इसलिए ये खुशखबरी है आपके लिए भी और सभी ऐसे छात्रों के लिए जो परिश्रम करके एग्ज़ाम देती है। तो इसलिए आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे एग्ज़ाम हो गए। अगर इसमें गड़बड़ी हुई है तो बिल्कुल हाईकोर्ट सही फैसला करेगा, नहीं हुई है तो नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई अपनी करते रहिए कंटिन्यू। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करने का तो उस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जीके अपडेट मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।